NCERT solution chapter 3 motion in a straight line question number 12 a ball is dropped from height 90 meter on a floor at each collision with the floor the ball lost 1/10 of its speed plot the speed time graph of its motion between t is equal to 0 to t is equal to 12 okay तो हमें क्या बोल दे रखा है 90 मीटर हाइट से बॉल ड्रॉप हो रहा है यानी बॉल का इनिशियल स्पीड जीरो है ठीक है और बॉल ड्रॉप होता है तो ड्रॉप होने के बाद जो स्पीड लूज होता है वो 1/10 है यानी जो स्पीड बचेगा स्पीड यानी मैं यू डैश बोलता हूँ तो वो कितना होगा यू का 9/10 होगा ठीक है 1/10 घट गया तो बचा कितना 9/10 बच गया ओके अब क्या बोल रखा है कि हमें टी इज इक्वल टू जीरो से 12 सेकेंड तक का ग्राफ प्लॉट करना है किसका स्पीड वर्सेज टाइम का ग्राफ ओके स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है 0 टू 12 सेकंड का ओके तो स्टार्ट करते हैं इनिशियली जब बॉल ड्रॉप हुआ तो मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बी पे गया तो कितना टाइम लगा वो देखते हैं ए टू बी जाने में टाइम कितना लगा वो देखते हैं तो न्यूटन भाई साहब की सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ठीक है और मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ ठीक है अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 90 पॉजिटिव है यू कितना है जीरो है और हाफ ए कितना है 9.8 और टी स्क्वायर तो यहाँ से अपना टी आ जाएगा कितना आएगा 90 इंटू टू डिवाइडेड बाई 9.8 का रूट तो ये आएगा 4.286 ये आपका टाइम आ जाएगा सेकंड में ओके अब क्या करना है कि ये बी पे आ गया अब बी पे आने के बाद जो स्पीड है बी के ऊपर वो फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी एट बी फाइंड करते हैं तो वेलोसिटी एट बी कैसे निकालेंगे अपन फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी राइट तो ये वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा ये इनिशियल वेलोसिटी ए की वेलोसिटी है तो यहाँ पे इनिशियल ए की वेलोसिटी से जीरो है एक्सेलरेशन अपना 9.8 है समय अपना 4.286 है तो वेलोसिटी एट बी कितना आ जाएगा ये आएगा आपका 42.0028 आएगा ठीक है मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी एट बी आ गया ओके अब बी पे आने के बाद बी पे बॉल आ गया मान लो यहाँ पे बॉल आ गया अब बॉल ने कितनी स्पीड एक्वायर किया है अब इसकी रहेगी कितनी कितनी रह जाएगी अगर मैं वी डैश बी लिखूं यानी कितनी रह जाएगी तो वो रहेगी आपकी 42.0028 का 9/10 रहेगा राइट कितना 9/10 रहेगा तो उसको सोल्व करेंगे दिया आएगा 37.80 मीटर पर सेकंड ही स्पीड इसके पास रहेगी यानी इसी स्पीड से ये ऊपर जाएगा बॉल ठीक है अब ऊपर जाएगा ऊपर गया मान लो यहाँ हाइट पर जहाँ हाइट पे जाएगा तो वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी अब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी यानी हाइट पे जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल देते वापस मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं बी से सी पे जाता हूँ ठीक है इस सी पॉइंट ले लेता हूँ तो बी टू सी जाते हैं तो कितना समय लगता है वो निकाल देते तो वापस अपन इक्वेशन यूज़ करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ करते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहाँ पे ये तो अपना सी है ये अपना बी डैश है ओके तो सी पे तो जीरो होगा राइट और यू बी कितना है 80 माइनस हाफ 9.8 टी तो यहाँ से समय अपने पास आ जाएगा कितना समय आएगा 37.8 अपॉन 9.8 तो ये आ जाएगा 3.857 सेकंड ठीक है इतना टाइम ऊपर जाने में लगेगा यानी जब सी पे पहुँचेगा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा टोटल टाइम अगर सी पे पहुँचा वो होगा आपका नीचे ए टू बी आने में टाइम कितना लगा था 4.286 और बी टू सी जाने में टाइम कितना लगा 3.857 यानी ये आ जाएगा आपका 8.15 राइट सेकंड आपको सी पे पहुंचा अब सी से वापस नीचे आ रहा है ग्राउंड पे तो सी से वापस ग्राउंड पे आ रहा है तो वापस बी बोल देते ग्राउंड पे आ रहा है सी से बी तो समय तो वापस उतना ही लगेगा जितना ऊपर जाने में लगा उतना नीचे जाने में लगेगा यानी टाइम लगेगा अपने पास सी टू बी आने में 3.857 यानी अगर टोटल टाइम अगर हम बी पे देखें जो लास्ट वाला बी है तो वापस ग्राउंड पे आ रहा है उसका टाइम देखें तो ये आ जाएगा 8.15 प्लस 3.857 यानी इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास समय आ जाएगा ग्राउंड पे आने का टोटल टाइम कितना आ जाएगा 12 सेकंड आ जाएगा यानी 12 सेकंड पे वापस वो ग्राउंड को हिट हो जाएगा राइट ओके तो अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ अपना नया पेज ले लेते हैं ओके तो यहाँ पे अपन ग्राफ बनाते हैं ये अपना वर्टिकल अपन डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल अपन टाइम ले लेते हैं ओके तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि हर सेंटीमीटर को 10 ले लेता हूँ मैं 10 मीटर ले लेता हूँ 20 30 40 50 60 ठीक है ओके सर ये स्पीड है ना
तो स्पीड ले लेते हैं अपन 10 के, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, और ये अपना स्पीड है वर्टिकल और ये समय है। तो समय कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, ठीक है। ओके, तो देखो इनिशियली टी इजिकल टू जीरो था और स्पीड क्या है, स्पीड इनिशियली जीरो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऊपर से 90 मीटर से ऊपर से स्टार्ट हुआ, जीरो स्पीड जीरो था, ड्रॉप हुआ। फाइनल स्पीड कितनी एक्वायर की इसने, वेलोसिटी एक्वायर की इसने कितना एक्वायर किया, 42.08। तो यहाँ से अपन कितने टाइम में एक्वायर किया इसने, 4.2, यानी कि यहाँ पे 4.2 की बात करते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। इसमें इसने कितना वेलोसिटी एक्वायर किया, 42, यानी कि यहाँ पे 42 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ से आपने जीरो से इसने 42 स्पीड एक्वायर कर ली। ओके, फिर इसने क्या किया, इसकी स्पीड एकदम से ड्रॉप हो गई, कितनी 1/10 ड्रॉप हो गई, और कितनी बची, 37.80 बचा, यानी कि इसका एकदम से ड्रॉप हुआ और शार्पली ड्रॉप हुआ, कितना बचा, 37। तो ये 37 ले लेता हूँ, तो ये आपका ड्रॉप हुआ एकदम से। ओके, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये स्पीड नीचे यहाँ पे अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पे आ गए, अब ये वापस ऊपर गया, यानी इसका स्पीड क्या हुआ, स्पीड वापस डिक्रीज हुआ, डिक्रीज ऊपर जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो, यहाँ बी से सी पे गया तो वेलोसिटी डिक्रीज हुआ, कितना हुआ, जीरो हुआ। और कितने टाइम में जीरो हुआ, ये टाइम है आपका यहाँ से अपन निकाल 8.15 में, तो 8.15 ये नहीं है, इस पर जीरो हो गया, तो यहाँ से ग्राफ आ जाएगा आपका डायरेक्ट जीरो के ऊपर, यानी ये सी पे पहुँच गया, ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है, सी पे पहुँच गया ना, जब वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ, सी से वापस ये ग्राउंड पे आया, तो ग्राउंड पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी वापस कितनी हो जाएगी, 37, वापस वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 37.8, और कितने टाइम पे होगी, 12 सेकंड पे, तो 12 सेकंड पे वापस वेलोसिटी वही हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी वापस 12 सेकंड के ऊपर। ओके, अब 12 के बाद देखेंगे तो वापस एक शार्प डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा, 12 के बाद वापस का 9/10 हो जाएगा, रह जाएगा, यानी 1/10 डिक्रीज होगा, लेकिन 12 के बाद का अपने को नहीं पूछा, पूछते तो अपन वापस एक शार्प डिक्रीज करते, थोड़ा सा 1/10 डिक्रीज करते, फिर वापस जीरो पे आता, फिर वापस ऊपर जाता, इस तरह से अपन ग्राफ बनाते, लेकिन अपने को सिर्फ 12 तक बोला है, तो ये ग्राफ सही है।